तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो कमेंट्स करते हो उसी कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि आपने कमेंट्स किया है अभी, जैसे कि ईरान खान है, इन्होंने कमेंट्स किया था मुझे, मैम मुझे पार्लर खोलना है गाँव में, उसमें सेल के लिए कॉस्मेटिक का क्या क्या सामान रखूँ और कहाँ से परचेज़ करूँ, प्लीज़ गाइड मी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ जहाँ से, अगर सामान कहाँ से लेना है आपको, सबसे पहले सदर बाज़ार से आप सामान लेंगे। जैसे कि सदर बाज़ार जो कि है बहुत सस्ता, चीपेस्ट रेस्ट में वहाँ पे सामान मिलता है। अगर आपके सदर बाज़ार नहीं आ सकते, बहुत दूर है, तो आप किसी भी होलसेलर से, आप शॉप से कहीं से भी सामान ले सकते हैं जो कि सस्ते रेट पर। तो हेलो गाइस, मैंने आपके लिए देख सकते हैं लिस्ट बना रखी है जो कि पार्लर में सबसे ज़्यादा रनिंग में बिकते हैं। डेली सेल होते हैं ये, जो कि पार्लर में आप रखोगे सामान कॉस्मेटिक का तो सेल होगा डेली। तो कैसे आपको क्या सामान रखना है जो कि पार्लर के हिसाब से, तो आप, मैंने लिस्ट बना रखी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जो कि पार्लर में बिकते हैं, जो कि लोग रेंट पे भी पूछते हैं आपको आके कि आपके पास मिल जाएगी ज्वेलरी, तो आप उन्हें अपनी तरफ से ज्वेलरी रेंट पर भी दे सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि ज्वेलरी में क्या क्या आप दे सकते हैं, कोई भी क्लाइंट आता है आपके पास में मेकअप करवाने, तो वो पूछता है आपको कि आपके पास ज्वेलरी रेंट पर देते हो या सेल करते हो, किसी तरह से पूछता है आपसे, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि हाँ, हमारे पास आप मतलब ख़रीद भी सकते हो या रेंट पर भी ले सकते हो। तो क्या क्या सबसे ज़्यादा बिकते हैं जो कि पार्लर में, वही लिस्ट मैंने बना रखी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी मैंने लिख रखी है, जो कि ज्वेलरी में क्या क्या ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, जो कि आपसे ज़्यादातर सेल होते हैं। तो चोकर सेट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, जो कि पार्लर में कॉस्मेटिक शॉप खोल रखे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेल होने वाले हैं। तो ब्राइडल सेल भी सेट भी आप ले सकते हो, जो कि आप जैसे किसी का ब्राइडल करते हैं, ब्राइडल मतलब मेकअप तैयार करते हैं, तो उस पर आप बना सकते हो, रेंट पर दे सकते हो। तो पैंडल सेट ले सकते हो, नथ ले सकते हो, टीका ले सकते हो, एयरिंग्स ले सकते हो, जो कि फैंसी फैंसी एयरिंग्स आते हैं वो आप ले सकते हो अपने शॉप पर, जो कि, और यहाँ पे फैंसी रिंग्स ले सकते हो, जो कि सुंदर सुंदर फैंसी रिंग्स आती हैं वो भी आपके यहाँ आप अपनी शॉप पर रख सकते हो। फैंसी ब्रेसलेट आते हैं जो कि वो भी आप रख सकते हो अपने शॉप पर। फैंसी खड़े ले सकते हो, चूड़ा सेट ले सकते हो, त्यारा फैंसी ले सकते हो, जो कि बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिलते हैं। नेल पेंट की वैरायटी बना सकते हो, ज़्यादातर की नेल पेंट की वैरायटी आप सस्ते से महंगी तक बना सकते हो, 50 से कम ऊपर कीमत बनाइएगा। उसके बाद लिपस्टिक की वैरायटी बना सकते हो, कि ज़्यादातर लिपस्टिक भी लोग क्या करते हैं, पर्स में लेके जाते हैं जो मेकअप करवाते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी आप अपने तरफ से सेल कर सकते हो। कॉमन लिपस्टिक भी सेल कर सकते हो, लिक्विड लिपस्टिक कर सकते हो, फाउंडेशन का भी रख सकते हो आप सामान, परफ्यूम का भी रख सकते हो, जो कि परफ्यूम भी ज़्यादातर बिकते हैं जो कि पार्लर में। बच्चों के हेयर क्लिप्स रख सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं। उसके बाद हेयर एक्सेसरीज, जो भी आप सामान अपने क्लाइंट के ऊपर लगाते हैं जूड़ा उड़ा बनाते समय, तो वो भी आप रख करके रख सकते हैं, उन्हें खरीद मतलब बेच भी सकते हैं, और पर्स की भी वैरायटी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसा कि क्या होता है कि पार्लर में आप दो, जैसे एक शॉप है आपकी बड़ी शॉप है, तो उसमें दो पार्ट कर लीजिए, जैसे कि एक पार्लर की तरफ के लिए कर लीजिए, एक कॉस्मेटिक के लिए कर लीजिए। जैसे कि पार्लर आप अंदर में रख करिए और बाहर में आप कॉस्मेटिक का सामान रख करके बेचिए, क्योंकि अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो उसमें आपको जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर आता है उसको समझ नहीं आएगा। तो बाहर की तरफ आप कॉस्मेटिक का सामान बेचिए लगा करके, उसके बाद में अंदर में पर्दा लगा करके आप पार्लर भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपकी कॉस्मेटिक शॉप भी चलेगी और पार्लर भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मैंने शॉप मतलब कॉस्मेटिक की आपके नॉलेज जो कि अच्छी दी है या नहीं दी है, मतलब उस पर कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।